अब हम आते हैं टैक्सेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब टैक्सेस, ठीक है, अब पहले बात करते हैं डिविडेंड टैक्सेस, उसके बाद बात करते हैं कि स्टॉक जो शेयर्स आप खरीद रहे हैं। मेरे पास पिछले पहले भी सवाल आ चुका है कि सर जो हम स्टॉक्स खरीद रहे हैं क्या इन पे कोई टैक्स वगैरह लागू है। हाँ लागू है। दो चीजें, पहले मैं डिविडेंड की बात करूंगा, डिविडेंड के टैक्सेस के बारे में बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा कि स्टॉक जो आप शेयर्स खरीद रहे हैं उन पे टैक्स कैसे लागू होते हैं। पहले डिविडेंड के बारे में बात कर लें, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फाइलर्स जो टैक्स फाइलर्स हैं और ये जो नॉन फाइलर्स हैं उनके उनका है। 2011 में आप देखें तो दोनों पे 10% था डिविडेंड, अगर किसी को मिल रहा था तो उस पे 10% टैक्स लागू था। और 2012 में भी सेम, 2013-14 तक सेम था, लेकिन 2015 में चेंजेस आई है 10% फाइलर के लिए, 15% नॉन फाइलर के लिए। फिर 2016 में इंक्रीज होता गया 12.5, और 2018 के एंड में आप देखें तो जो फाइलर था उसके लिए 15% हो गया था और जो नॉन फाइलर था उसके लिए 20%। अभी भी मेरे ख्याल से मुझे इसका डिविडेंड का न्यू डेटा नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी यही सेम रेशियो चल रहा है, जो जो फाइलर्स हैं उनका 15% है, जो नॉन फाइलर्स हैं 2019 तक भी यही था, जो फाइलर्स थे उनका 15 था, जो नॉन फाइलर थे उनका 20% टैक्स था। डिविडेंड्स पे जो आपको डिविडेंड मिल रहे हैं उस पे टैक्स था, आपके दूसरे शेयर्स को कोई तकलीफ नहीं हो रही, डोंट वरी अबाउट दैट। अब बात कर रहे हैं शेयर्स के बारे में, ठीक है। शेयर्स में दो चीजें, 2019 को और 2020 को कंपेयर कर रहे हैं। 2019 में क्या हुआ है कि जो शेयर्स थे, अब फॉर एग्जांपल यहां पे डिपेंड करता है कि आप कितने वक्त के लिए शेयर्स को रखते हैं अपने पास, उस हिसाब से आपको टैक्स लगाया जाता है। अब अगर पाकिस्तान में यह है पीएसएक्स में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, अगर आप 3 साल से ऊपर, दैट इज कॉल्ड 36 मंथ से ऊपर किसी शेयर को होल्ड कर रहे हैं, यू हैव टू पे जीरो टैक्स, विच मीन्स लॉन्ग टर्म में अगर जा रहे हैं, वैसे लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर को कहते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो उस पर 0% टैक्स है। यहां पर आप देख भी सकते हैं, अगर होल्डिंग अप टू 12 मंथ है तो 10%, मोर देन 12 मंथ 9% टैक्स है आपके शेयर्स पर। अब ये टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स पर ईयर है, ठीक है, टैक्स पर ईयर। हर दफा ये नहीं है कि मतलब जब भी आप ले रहे हो और आपको टैक्स लग रहा है, टैक्स पर ईयर वो भी आपको प्रॉफिट्स जो हो रहे हैं, जो फायदे हो रहे हैं उन पे लगेगा, आपके कैश पे नहीं लगेगा। जो आपको कैश है वो वैसा ही है, जो आप प्रॉफिट कमा रहे उस पे टैक्स लागू है। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं कि आपका पैसा भी टैक्स में जा रहा है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, जो प्रॉफिट आ रहा है उस पे टैक्स लग रहा है। और ये बहुत क्लियर है, 12 मंथ 10%, 12 मंथ से ज्यादा 9%, और होल्डिंग मोर देन 24 मंथ 8%, अगर 3 साल से ज्यादा रख रहे हो 36 मंथ 0%। ये है 2019 का। अब 2020 में देखते, 2020 की जो आया है उसका देख लेते हैं। अब 2020 में देखें, अप टू 1 ईयर 10% है फाइलर्स के लिए, ये फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर कुछ ज्यादा ही हो गया, और नॉन फाइलर्स के लिए हमारे पास 20%, एंड अगेन मोर देन और इक्वल टू 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम 1 साल से ज्यादा 7.50 फाइलर्स, नॉन फाइलर, भाई नॉन फाइलर मत बनो, फाइल अपने फाइलर बन जाओ, अभी यहां पर भी देखें 20% है और जो नॉन फाइलर के लिए 7.50% कब हो गया, अगेन अगर 2 साल से इक्वल टू 2 ईयर्स बट लेस देन 2 साल से ऊपर आपको 5% टैक्स भरना पड़ेगा। ये स्टॉक्स की बात चल रही है, नॉट डिविडेंड, डिविडेंड की बात हो चुकी है, ये है कि आप शेयर को होल्ड कर रहे हैं, 5% टैक्स भरना पड़ेगा अगर आप 2 साल से ज्यादा रख रहे हैं, अगर 2 साल, और नॉन फाइलर के लिए भाई भरो 20%, सेम कोई चेंजेस नहीं है। अगर यहां देखें सेम थे जो 2018 में थी, जो 2019 में भी थी, वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज मोर देन 3 ईयर्स 0% टैक्स फॉर बोथ, शुक्र है यहां अच्छा है फाइलर, फाइलर्स के लिए, पर यार फाइलर बन जाए, 0% फॉर अगेन फॉर 2000 जो मोर देन 3 ईयर्स है उनके लिए 0%, जो दूसरे हैं उनके लिए भी 0%। ऑलराइट, टैक्सेस की बात हो गई, एंड दिस इज ऑल अबाउट टैक्सेस डिविडेंड्स एंड दैट। और आखिर में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता जाऊं कि बर्कशायर हैथवे, एप्पल, गूगल ये डिविडेंड पे नहीं करते, नो डाउट बहुत कमाते हैं, लेकिन ये अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं और एक्सपेंशन नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, बढ़ावा करने के लिए, और जिससे स्टॉक प्राइस उनके मार्केट में उनकी ज्यादा वैल्यू है और प्राइस उनके हाई जाते हैं तो इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं होता। करंट प्राइस ऑफ बर्कशायर हैथवे, जो दुनिया में महंगे से महंगा शेयर है, दैट इज
$341,969.94. It's a dollars. अब 10,000 अगर इनको रुपीस में कन्वर्ट करो तो पता नहीं क्या बन जाएगा. तो इट्स वेरी हार्ड टू इवन अफोर्ड अ सिंगल शेयर, यू नो. विद दिस विल एंड अप द वीडियो. एंड नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, PSX के बारे में बात करेंगे, वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे, मतलब कराची स्टॉक एक्सचेंज PSX को डिटेल्स में देखेंगे. एंड आई वांट यू टू स्टे विद मी. सी यू सून. साइनिंग ऑफ, डॉक्टर सागर.